दोस्तों अगर वक्त में पीछे जाया जाए तो हमें तकरीबन हर मॉडर्न डे एनिमल का डेंजरस और लार्ज वर्जन देखने को मिलता है। और तो और इस दुनिया के 90% फॉसिल्स तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए, इसलिए कितनी ऐसी एनिमल्स की स्पीशीज होंगी जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया में डिस्कवर होने वाले 7 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे ये वीडियो मेरी इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है, और पहले पार्ट में तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, कैलिकोथीरियम। दोस्तों इमेजिन करें एक गोरिला और हॉर्स का हाइब्रिड। तो जी हाँ, कैलिकोथीरियम कुछ इस तरह से ही दिखाई देते थे। वेल, इन्हें इस दुनिया के लार्जेस्ट एनिमल्स में तो शामिल किया ही जाता है, लेकिन इन्हें इस दुनिया का सबसे अजीब तरीन एनिमल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके आगे के पैर काफी लंबे होते थे जिनमें बड़े बड़े क्लॉज भी शामिल होते थे। वैसे इस अजीब से बॉडी स्ट्रक्चर के जरिए ये आसानी से नकल वॉकिंग करा करते थे, मतलब गोरिलास की तरह आगे के पैरों के सहारे से चला करते थे। वेल, कैलिकोथीरियम एक अनग्यूलेट थे, जिसका मतलब इनका गोरिलास से तो कोई भी ताल्लुक नहीं था, बल्कि इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल्स हॉर्स हैं, इसलिए कैलिकोथीरियम की शक्ल भी हॉर्स की तरह दिखाई देती थी। बहरहाल इतना खतरनाक बॉडी स्ट्रक्चर होने के बावजूद इनकी डाइट हर्बीवोरस हुआ करती थी, और अपने टॉल होने की वजह से ये किसी भी ट्री की हाइट तक आसानी से पहुंच जाया करते थे। वेल, कैलिकोथीरियम की आखिरी नस्ल इस दुनिया में 8000 साल पहले तक पाई जाती थी, और उसके बाद ये कैसे एक्सटेंड हुए ये अभी तक मिस्ट्री है। वैसे काफी साइंटिस्ट का मानना है कैलिकोथीरियम क्लाइमेट चेंज और इंसानों की बढ़ती हुई आबादी के इम्पैक्ट से इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 6, ब्रोकॉप्टोडॉन। दोस्तों मॉडर्न डे कैंगरूज की स्पीशीज को तो आपने जरूर देखा होगा, जो बेशक होते तो हर्बीवोरस हैं, लेकिन कहीं बार इन्हें बहुत से शिकारी एनिमल्स को पानी में डुबाते हुए देखा गया है। और तो और इनकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज से कुछ हजारों साल पहले मॉडर्न डे कैंगरूज से कई गुना ज्यादा खतरनाक और साइज में डबल ब्रोकॉप्टोडॉन नामी कैंगरूज की नस्ल इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करती थी। और तो और इन कैंगरूज को अब तक की डिस्कवर की जाने वाली कैंगरूज की सबसे बड़ी नस्ल बताया जाता है। वैसे ब्रोकॉप्टोडॉन को जाइंट शॉर्ट फेस्ड कैंगरूज भी कहा जाता है, क्योंकि इनका फेस शॉर्ट और फ्लैट हुआ करता था, बिल्कुल किसी बुलडॉग की तरह। वेल, ब्रोकॉप्टोडॉन की डाइट मॉडर्न डे कैंगरूज की तरह हर्बीवोरस हुआ करती थी, और इनकी ऊंची हाइट की वजह से इनके जमाने के शिकारी एनिमल्स इनको शिकार करने की हिम्मत भी नहीं किया करते थे। और तो और ब्रोकॉप्टोडॉन के जमाने में मेगालेनिया नामी छिपकली की सबसे बड़ी नस्ल और मार्सुपियल लाइन जैसे खतरनाक एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे। बहरहाल आज से 18000 साल पहले ब्रोकॉप्टोडॉन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 5, जायंट बीवर। वेल, बीवर चूहों की एक नस्ल है जो सेमी एक्वाटिक होते हैं और अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी के आसपास ही गुजार देते हैं। वैसे तो इन चूहों का साइज आज के जमाने में भी कुछ कम नहीं होता, लेकिन आज से 10000 साल पहले आइस एज के दौरान इस दुनिया में जायंट बीवर नामी बीवर की बियर जितनी एक नस्ल पाई जाती थी। जी हाँ दोस्तों, एक चूहा वो भी बियर के बराबर। और तो और इनके दांत भी बनाना जितने होते थे। वैसे जायंट बीवर्स देखने में बिल्कुल मॉडर्न डे बीवर्स की तरह दिखाई देते थे, और तालाब या झील के आसपास रहना पसंद करते थे, इसलिए इनकी ज्यादातर डाइट एक्वाटिक प्लांट्स पर बेस्ड होती थी। साथ ही साथ इनके बड़े साइज और छुपने की एबिलिटी की वजह से आइस एज के किसी भी शिकारी एनिमल का इनको शिकार करना इम्पॉसिबल था। वेल, जायंट बीवर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, मतलब इनके साथ आइस एज के फेमस एनिमल वूली मैमथ्स और जायंट शॉर्ट फेस्ड बियर्ड्स भी को एग्जिस्ट किया करते थे। बहरहाल आइस एज के बहुत से एनिमल्स की तरह जायंट बीवर्स भी आइस एज के बाद मौसम बदलने और इंसानों की हंटिंग की वजह से इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 4, डेओडॉन। वेल, डेओडॉन कितने डेंजरस थे इसका तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया ही था। बहरहाल ये खौफनाक से दिखने वाले बहुत बड़े एनिमल्स थे, जिनका साइज अगर कंपेयर किया जाए तो स्टैंडर्ड साइज कार के जितना होता था। और तो और इनका फेस बॉडी के कंपैरिजन में काफी बड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से इन्हें इस दुनिया का सबसे अजीब दिखने वाला एनिमल भी कहा जाता है। वैसे डेओडॉन की डाइट पिक्स की तरह ओमनिवोरस हुआ करती थी।
थी और ये देखने में भी काफी हद तक पिक्स की फैमिली को बिलोंग करने वाले वॉरडॉग्स की तरह दिखाई देते थे। पर साइंटिस्ट का मानना है इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल हिप्पोपोटामस है। बहरहाल ये आज से 23 to 16 मिलियन ईयर्स पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। ये वही टाइम है जब टेरर बर्ड्स जैसे जॉइंट बर्ड्स और पैरासेराथेरियम जैसे लार्जेस्ट मैमल्स इस दुनिया में घूमा करते थे। वेल डेओडॉन किसी अननोन रीजन की वजह से इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 3 मैक्रोकिनिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग टेपर नामी एनिमल को तो जरूर जानते होंगे जो ज्यादातर अमेज़न जंगल के साइड पाए जाते हैं और अपनी यूनिक नोज की वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन आइस एज के दौरान टेपर्स का एक बहुत ही अजीब और जायंट मैक्रोकिनिया नामी वर्जन इस दुनिया में पाया जाता था। और तो और इस एनिमल की नेक और बॉडी तो कैमल की तरह होती थी पर फेस और नोज देखने में बिल्कुल टेपर की तरह दिखाई देते थे। लेकिन ये कोई टेपर्स की स्पीशीज नहीं थे। पर हाँ, इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल्स में टेपर्स, हॉर्स और राइनोसेरोस शामिल हैं। वेल मैक्रोकिनिया की डाइट इनके रिलेटिव्स की तरह हर्बीवोरस हुआ करती थी। वैसे इस एनिमल को इस दुनिया के मशहूर तरीन साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था और उनका मानना था ये इस दुनिया में आने वाले सबसे स्ट्रेंजेस्ट एनिमल्स में से एक है। बहरहाल दूसरे एनिमल्स के साथ कॉम्पिटिशन की वजह से मैक्रोकिनिया इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 2 बाइसन लैटिफ्रॉन्स। दोस्तों बाइसन लैटिफ्रॉन्स इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाली बाइसन की सबसे लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट नस्ल थी। और यही नहीं बल्कि इनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट और हैवीएस्ट बोविट होने का भी रिकॉर्ड है। बोविट कैटल, बफेलो और बाइसन जैसे एनिमल्स को बोलते हैं। वैसे अगर बाइसन लैटिफ्रॉन्स का साइज कंपेयर किया जाए तो ये एक एसयूवी कार के बराबर हुआ करता था। बहरहाल बाइसन लैटिफ्रॉन्स हर लिहाज से बड़े थे पर इनके हॉर्न्स हद से ज्यादा बड़े हुआ करते थे जिनके बीच में एक कार आराम से फिट हो सकती थी। वल ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे और माना जाता है ये यूरोप और एशिया में पाए जाने वाली स्टेप बाइसन नामी बाइसन की स्पीशीज से इवॉल्व हुए थे जिनकी बॉडी आज भी साइबेरिया के ठंडे तरीन इलाकों से मिलती रहती है। वल आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले स्टेप बाइसन बेरिंग लैंड ब्रिज के जरिए एशिया से नॉर्थ अमेरिका आ गई थी। वैसे ये वही रास्ता है जिससे नेटिव अमेरिकन्स भी अमेरिका आए थे। बहरहाल खाना ज्यादा होने की वजह से स्टेप बाइसन बाइसन लैटिफ्रॉन्स में इवॉल्व हो गई थी और इस दुनिया का सबसे बड़ा बाइसन होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। लेकिन बाइसन लैटिफ्रॉन्स अपने एंसेस्टर्स स्टेप बाइसन के साथ साथ आज से 10,000 साल पहले ह्यूमन हंटिंग और आइस एज की खत्म होने की वजह से इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 1 अर्जेंटिनोसॉरस। वेल इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर पेटेगोटाइटन मायोरम बताया था। लेकिन काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि पेटेगोटाइटन मायोरम की लेंथ 121 फीट तक बताई जाती है जो कि एक ओवर एस्टिमेट है और असल लेंथ 102 फीट तक हुआ करती थी। और वही अर्जेंटिनोसॉरस की लेंथ 121 टू 131 फीट के आसपास हुआ करती थी। इसलिए अर्जेंटिनोसॉरस ही इस दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर हुए जिनकी लेंथ अगर कंपेयर की जाए तो 2 मोसासॉरस से भी बड़ी हुआ करती थी और वजन 12 टीरेक्स के जितना होता था। वेल 200 सालों से हम इंसानों का मानना था ब्लू वेल इस दुनिया के सबसे बड़े एनिमल है लेकिन अर्जेंटिनोसॉरस लेंथ में ब्लू वेल से भी बड़े हुआ करते थे। बहरहाल अर्जेंटिनोसॉरस की डाइट हर्बीवोरस होती थी और ये अपने जमाने के लंबे लंबे ट्रीज खाने के लिए बहुत ही ज्यादा जाइंट साइज में इवॉल्व हो गए थे। वेल अर्जेंटिनोसॉरस तमाम डायनासोर के साथ साथ 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले एस्ट्रॉइड इंपैक्ट में इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। वेल मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।